अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ हलीम बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि हलीम कैसे बनाई जाती है। रेस्टोरेंट स्टाइल से हम बनाएंगे, बहुत ही इजी वे है। आए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जी फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसमें दालें यूज़ करेंगे। ये चने की दाल है एक कप, एक कप है माश की दाल, एक कप है ये मसूर की दाल, एक कप है ये मूंगी की दाल, और एक कप हमने लिए हैं चावल। जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये है हमारे पास चने की दाल जो हमने एक घंटा पहले भिगो के रखी हुई थी। इसमें से हमने जो वाटर था हमारा वो हमने ड्रेन ऑफ कर दिया है। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे, हम इस अपने प्रेशर के अंदर ये सारी दाल माश की दाल चने की डाल देंगे। और ये हमारी माश की दाल है जिसमें जिसको एक घंटा पहले हमने भिगो के रखा था। अब इसमें से भी हमने अपना वाटर ड्रेन ऑफ कर लिया। ये मूंगी की दाल थी फ्रेंड्स, इसको भी हमने एक घंटा पहले भिगो के रखा था, इसका वाटर भी हमने ड्रेन ऑफ कर लिया है। ये फ्रेंड्स, हमारे पास मसूर की दाल थी जो कि हमने एक घंटा पहले भिगो के रखी थी, इसका वाटर भी हमने ड्रेन ऑफ कर लिया है। फ्रेंड्स, ये एक कप हमारे पास चावल थे जो हमने एक घंटा पहले भिगो के रखे थे, इसका वाटर भी हमने ड्रेन ऑफ कर लिया, ये भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। जी फ्रेंड, हम अब अपना प्रेशर लगा लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स करके 1.5 लीटर पानी डाल लिया है, सारी दालें और चावल हमने मिक्स करके अपना ये प्रेशर लगा लिया। जी फ्रेंड, हमारा प्रेशर लग गया है। जी फ्रेंड, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास चिकन है उसको मैरिनेट करने के लिए हमने क्या क्या मसाले लगाने हैं, ताकि जो हमने अपने हलीम के अंदर चिकन डालना है वो मैरिनेट कर लें। जितनी देर में हमारा ये प्रेशर लगा हुआ है, ये 12 मिनट के बाद हम उतारेंगे, उतनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका होगा। तो आगे मैं बताऊंगा आपको आगे क्या करना है। आज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हमने ये चिकन लिया है, ये 300 ग्राम चिकन ले लिया है हमने, और ये एक पाव हमने लिया है दही, एक पाव दही लिया है, जो इस दही के अंदर हम अपना सारा चिकन ऐड कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये हमने मसाले ऐड करने हैं। ये मसाले हैं हमारे पास 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून धनिया है, सूखा धनिया है, और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची है। ये सारे मसाले हम ऐड करेंगे अपने दही में। ये हमने अपने दही में ऐड करके अब हम इसको बीट करेंगे, अच्छे तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने अपना जो चिकन था हमारा उसको हमने मसाले लगा लिए हैं, दही में डाल के मसाले लगा लिए हैं सारे, और हम इसको 12 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जी फ्रेंड, अब हम इसको 12 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए हमने अपने चिकन को रख लिया है। 12 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। जी फ्रेंड, 12 मिनट हो चुके हैं, हमने अपने चूल्हे को बंद कर दिया और अब इसको हम खोल लेंगे, आप नीचे उतारेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारी जो दालें हमने इसमें डाल के रखी थी वो हमारी बिल्कुल सारी गल चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। अब हम इसमें से ये सारी निकाल लेंगे बड़ी देशकी के अंदर। ये सारी फ्रेंड्स हम इसमें से निकाल लेंगे ताकि इसमें हमने अब चिकन को फ्राई करना है। जी फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जो हमारा प्रेशर इसके अंदर हमने जो मैरिनेट किया हुआ हमारा चिकन है वो हम भुनेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये हमारे पास 1 कप कुकिंग ऑयल है, ये इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। जी फ्रेंड, अब हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का 1 कप ऐड कर लिया और हम इसके अंदर दोबारा ऐड करेंगे
एक दो कटे हुए हमने ये प्याज लिए हैं, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। जी फ्रेंड्स, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसके अंदर अपना ऐड करेंगे चिकन और उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद क्या करना वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड्स, हमारे अब जो प्याज है वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, देखें आप। ये देखें हमारे प्याज माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे अपना ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था, ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है, ये हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हम अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी डाल के इसको प्रेशर लगाएंगे 12 मिनट के लिए, ताकि ये सारा चिकन मेल्ट हो जाए इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे भूनना। जी फ्रेंड्स, हमारे जो चिकन है वो आज बड़े अच्छे तरीके से ये देखें भुना जा चुका है। अब हम इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे और इस हम प्रेशर को 12 मिनट के लिए लगा देंगे, ताकि ये सारा जो चिकन है हमारा इसके अंदर वो मेल्ट हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स, हमारा चिकन माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। इसके अंदर अब पानी डाल के हम इसको 12 मिनट के लिए लगाते हैं प्रेशर, और 12 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। जी फ्रेंड्स, हमने अपना कुकर लगा लिया है, हमने अपना प्रेशर कुकर लगा लिया है, जो कि 12 मिनट के लिए हम लगाएंगे, ताकि चिकन अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। और साथ ही हम फ्रेंड्स, ये जो हमने अपनी हमारी दालें थी जो हमने 12 मिनट प्रेशर लगा के निकाली हुई हैं, ये हम इस अब इस जार में डालेंगे। ये हम इस जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। जदीद दौर है और जदीद चीज़ें आ चुकी हैं पहले लोग चम्मच के साथ साथ इसको मैश कर लेते थे, अब हम जदीद दौर है तो हम इस जार के अंदर इसको डाल के 1 मिनट में इसको मैश कर लेंगे। हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल चुका है। हलीम के अंदर डालेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जी फ्रेंड, अब हमारा पकना शुरू हो गया, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ये जो चिकन है हमारा, ये चिकन ऐड करके हम इसको अब 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छे तरीके से। जी फ्रेंड, जो हमने चिकन डाला था वो अभी इसके अंदर हमने घोलना है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास जो मशीन है इसके साथ हम घोलेंगे इसको चलाएंगे। ये देखें फ्रेंड, ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी चल रही है। जी फ्रेंड, ये हमारी देखें कि कितनी अच्छी हलीम बन रही है, बिल्कुल हल्की सी आंच हमने नीचे की हुई है और हम इसके साथ इसको घोल रहे हैं। जी फ्रेंड, हमारी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब हम इसके लिए तड़का बना रहे हैं, जो कि तड़के के अंदर हमने नाजमीन डाला है कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून जीरा। ये देखिए हमारा तड़का जो है वो तैयार हो रहा है, जो हम हलीम के अंदर डालेंगे। ये थोड़ा सा हम इसको गर्म होने का वेट कर रहे हैं, जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा हम इसको अपनी हलीम के अंदर डाल देंगे। ये हमारी देखें फ्रेंड्स, हलीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखें ये कितनी खूबसूरत है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी घर में बनाने के लिए इसको ट्राई करें, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका, हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें फ्रेंड्स माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। जी फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारी जो हलीम है उसकी कितनी अच्छी माशाल्लाह लुक आई है, बहुत ही ये टेस्टी है, आप भी इसको घर में बनाने के लिए ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेटा जी।
अली शेफ बहुत प्यारा मुझे वेल डन। जी डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद जो हम नई वीडियोज अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप तक बिल्कुल आप तक आसानी से पहुंच सकें। बहुत देर से ही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।